नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। थैंकफुली आप वीडियो देख रहे हैं उसके लिए और जैसे कि वादा किया था कि आपको वीडियो तो मैं पूरा दिखाऊंगा अजय सिंह का, तो थोड़ा सा लेट हुआ पर अच्छे से आना था। वीडियो एडिटिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग गया और उसके बीच में हमारा टूर आ गया, तो टूर को भी देखना था। टूर कंप्लीट हो गई है, टूर वाली वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, नेक्स्ट पार्ट में। इस बार एग्जीबिशन की पहले से पड़ी हुई थी वीडियो, तो हमने उसको पहले क्लियर कर लिया। कॉफ़ी नहीं, खाली चाय। चाय और कॉफ़ी पी लिया। क्या पीना है बोलो, डिस्कस करते हैं क्या है, किस हिसाब से है। चाय चार्ज वाले 10 रुपीज। चाय पीने का पैसा देने का, पहले चाय का स्वाद टेस्ट करो कैसा है। कैसा है? अच्छा बोलो। ऐसा नहीं है, चाय थोड़ा सा ना भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। अभी उसमें क्या कर सकते हैं, ये मैं ऐसा है वैसा है चाय का, और घर जैसा तो मिलता नहीं है। फिर भी अच्छा है, उतना ज़्यादा खराब भी नहीं है। चाय देख सकते हो पूरा लाल लाल है। चाय की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। मोहतरमा को आपको नहीं देखा, नहीं बिल्कुल आप लोगों को मोहतरमा को नहीं देखा। मोहतरमा को दिखाएंगे जब भी, जब आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और बहुत अच्छी अच्छी मोहतरमा को दिखाएंगे। पहले तो आप यान देख लो, इस पर कोडिंग नहीं है। ये सारे यान आप लोगों के बीच में आने वाली है। हाँ कुछ दिनों में, अरे नाम चार 6 महीने के अंदर। डेनियर अंदर है तो पॉसिबल नहीं है, अपने बाद में देख लेते हैं। अभी क्या है, ये सीक्वेंस की जो आइटम है मार्केट में दुपट्टा में बहुत ज़बरदस्त चल रही है, उसके लिए जब आपके लिए है सब कुछ है। और उसमें क्या है कि अभी मार्केट में अगर बने रहना है तो ये चलाना ज़रूरी है, ये नहीं चलाएंगे तो फिर अपने मार्केट में नहीं चलेंगे। तो आप सबको ये तो चलाना ही पड़ेगा। आप सोचोगे कि हम पी वी चंदेरी बिस्कॉस ये चला के अगर मार्केट में बने रहें तो पॉसिबल नहीं है। जो भी मास्टर हैं, टेक्नीशियन है, उनको ये तो करना ही पड़ेगा। हाँ, वो और यहाँ पे ATY के हम जांच पड़ताल करते हुए, इसमें क्या था कि मेरे को ATY और लीची के बारे में बहुत बढ़िया से नॉलेज है, क्योंकि मैंने बहुत साल उसको चलाया है तो मुझे पता है। तो वही डिस्कस थोड़ी हमारी और विवेक भाई और राहुल भाई के बीच में चल रही है कि ये ATY है और ये लीची है, ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से बात चल रही थी। और यहाँ पे देखिए आप लोग बीच में ना बहुत सारी कंपनियाँ हैं, यहीं तक का है। अभी तक वो चला सकते हो कंपनी, हमको लेना है, दोनों लेना है। चलाए हो अभी क्या इसमें 1000 डेनियर तक ये आप चलाए हो? वाओ माल है। कुछ वो बताऊंगा कंपनी का नाम, वो बताएगा कि नाम। अभी देखो देखो, मोहतरमा को मैंने बोला था ना आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मोहतरमा को दिखाऊंगा। आपके भी व्यू बढ़ने से मोहतरमा सामने आ गई। अगर आप फुल्ली मोहतरमा को ही खाली देखना चाहते हैं तो फिर अपना फटाफट जाइए और सब्सक्राइब कर डालिए, और जितने भी फ्रेंड हैं ना उनसे करवा दीजिए। और देखिए मैंने आपसे लास्ट जो शॉर्ट वीडियो में बताया था कि वेस्टेज से जो यान बनती है अपनी प्लास्टिक से, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज जो देखने जैसी थी। और एक और चीज़ यहाँ पे देखिए आपको देखने जैसी है, देखिए यहाँ पे एक यान की स्टॉल है जो ऑल ब्रांडिंग है, इसमें गोले के ऊपर दिया हुआ है और इंडिया गेट बनाया हुआ यान का ऑल कंट्री, क्योंकि ये इंटरनेशनल एक्टिवेशन है तो ऑल कंट्री का यहाँ पे फ्लैग होगा ही होगा। तो ये ऑल कंट्री का फ्लैग है और इसमें हम भी हैं, और ये हमारी सुंदर सी लाल किला की डिजाइन है आप देख सकते हैं। ऑल कंट्री मतलब ऑल कंट्री है यहाँ पे। अपने आप फटाफट अपने इंडियन का इंडियन फ्लैग कहाँ पे ना, वो मुझे
कमेंट करके बताइए कितना नंबर पे। देखता हूँ कि आपकी जो नज़र है ना इंडियन फ्लैग पे कितना जल्दी जाता है, क्योंकि अभी एक दिन पहले ही 15 अगस्त बीता है, तो अभी तो आप भूले होंगे नहीं, तो आप भूले होंगे नहीं तो एकदम फटाफट देख के बताइए। और थोड़ा सा मैं भी अच्छा सा पोज ले लूँ, थोड़ा सा भैया आगे बीच में, फिर भी देखते हैं थोड़ा सा। अभी हट जाएंगे, समझदार तो लग रहे हैं वो, देखिए समझदार लग रहे हैं। एक तो भाई हट गए, दूसरे भाई नहीं हट रहे, इनको ज़्यादा मेरे साथ सेल्फी लेने की और लगी है। अब हटे थोड़ा सा, जब हम पोज बनाए तो ये नहीं हटे, जब वो हटे तो हमारी पोज निकल गई। चलिए, हम अपने झंडे को तो हमने जोड़ ढूंढ लिया, अब आप भी फटाफट ढूंढो और बताओ कि जिस पे मैंने उंगली रखा था वही हमारा झंडा है। देखिए ये जो फैब्रिक जो यान है वो कहाँ गया, वो प्लास्टिक वाला क्या होता है रखा जाता है, ये हमारा जो यान उसके बाद बनती है तो उसके लिए है ये। अभी हम जो वेस्टेज यान से, सॉरी, जो वेस्टेज कचरों से जो हमारे यान बनती है, जो धागा बनती है, रुई बनती है, आप देख सकते हो कि ये कांच के नीचे सब प्लास्टिक है, वेस्टेज प्लास्टिक जो हम पानी पी के जीव जंतु को कर देते हैं वो प्लास्टिक है, उससे सब धागे बने हुए हैं। और ये देखते हैं यहाँ पे थोड़ी सी मिल क्वालिटी की सब रुई है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा जानता हूँ, तो मैं अच्छे से इसमें आके और उसका जाँच वगैरह कर लिया। आप देख सकते हैं एफ यू आई वगैरह सब बनाई हुई है, नॉलम वगैरह भी अभी देखे यहाँ पे। पहले ये सब जो ये वेस्टेज मटेरियल है ना, इससे पहले अब चिप्स बनाई जाती है, जैसे छोटे छोटे देख रहे हैं दाने बनाए जाते हैं, दाने को फिर वापस धागे बनाए जाते हैं। तो जो अगर ये सब मिलों में काम किया हो उसको प्रोसेस मालूम है कि ये कैसे होगा जी, बट मैं ये मिलों में काम तो नहीं किया हूँ, बट मुझे फैब्रिक के बारे में थोड़ी सी पता है। ये देखिए यहाँ पे कितना सुंदर है, मैं व्यू के मतलब ये कलर की बात कर रहा हूँ, मेटल की बात नहीं कर रहा हूँ, तो कृपया करके आप लोग अलग व्यू ना देंगे। देखिए यहाँ पे ये भी कलर अच्छा है, जैसे हम टी शर्ट वगैरह पहनते हैं गारमेंट में आ जाते हैं, लेडीज गारमेंट हो गए, जेंट्स गारमेंट हो गए, सब कुछ का यहाँ पर प्रदर्शन दिखाई जाती है कि इस हिसाब से ये कपड़ा बनेगा। तो कृपया करके आप लोग भी अगर शहर में अगर कोई भी एग्जीबिशन लगता है तो बिल्कुल जाए, चाहे वो कोई भी एग्जीबिशन हो, इंटरनेशनल हो या लोकल हो, उसमें जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से कुछ ना कुछ वो मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, बहुत कुछ मिलता है, लेने वाला होना चाहिए आपको मिल जाएगा। अभी क्या है हमारा कदम लगे, देखो देखो इधर 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 यान दिखता है, मैं यान दिखा रहा हूँ इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ, और कुछ आप बहुत सारी जहाँ पे जो एग्जीबिशन में गए मुंबई थक गए तो यहाँ पे खा पी लेंगे थोड़ा सा। और वीडियो चल रहा बाहर आ गए और राहुल भाई बोल रहे हैं कि थोड़ा सा उनका एक दो फोटो ले लो, लेकिन मैं फ़ोटो लेने से तो रहा नहीं, क्योंकि आप सब तक वीडियो पहुँचानी है, और ये हमारे ऑल कंट्री के जो बिग फ्लैग है वो है अपना है ना वहाँ पे सामने, इन लोगों को पता नहीं था कि अपना फ्लैग कहाँ पे है, तो मैं जैसे कि पहले वाला वीडियो में आपने देखा है उसमें ये है। अभी वहाँ पे क्या है एग्जीबिशन में आवाज़ बहुत तेज आती है, तो वहाँ पे जो हम बोलते हैं वो सुनाई देती नहीं है, तो राहुल भाई मुझे बोलते हैं कि अपना फ्लैग कहाँ है वहाँ पे वो बताओ, मैं फिर बोला कि नहीं मैं तो बाद में बोल पब्लिक है, पब्लिक है क्या करे, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में सब कुछ सही हो जाए। जय श्री राम। बस